गुड आफ्टरनून, स्टैंडर्ड 7 में SVT आपका स्वागत करता है। बिना टाइम वेस्ट करे हम आपके स्टैंडर्ड 7 का चैप्टर आगे बढ़ाते हैं। स्टैंडर्ड 7 का जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, चैप्टर नंबर 12। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन थोड़ा बहुत आप 6 स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो, आपने कुछ इस तरह के टर्म 6 स्टैंडर्ड में पढ़े। इसको बोला जाता है सिंपल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन अभी जो आपको स्टडी करना है 7 स्टैंडर्ड में, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। पर सबसे पहले मैथमेटिक्स में 2 तरह के एक्सप्रेशन होते हैं। वन इज कॉल्ड अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन एंड सेकंड इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर समझ में आ गया है तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी आपको समझ में आ जाएगा। अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन, जब इतने छोटे छोटे बच्चे थे ना तब से आप लोग अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ रहे हो। आपने कभी 3+4 किया होगा, कभी 2-1 किया होगा, कभी 5-2 किया होगा। ये सब है अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन, जिसको आप फिंगर टिप से काउंट करके फाइंड आउट करते थे कि भाई सर 3+4=7, 2-1=1, 5-2=3। अब यही अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन को अगर मुझे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना हो तो मैं कुछ नहीं करूंगा, कोई एक नंबर के साथ या दोनों नंबर के साथ मैं कोई अननोन नंबर डाल दूंगा, कोई अननोन वेरिएबल डाल दूंगा। मैंने यहां पे 3 को x दे दिया, 4 को कुछ भी नहीं दिया, तो भी ये क्या हो गया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यहां पे मैंने 3 को x दे दिया और 4 को y दे दिया, ऑपरेशन में कोई फर्क नहीं किया, वो प्लस का प्लस ही है, तो ये भी क्या हो गया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर मैं पूछूं कि भाई 3x+4 का आंसर क्या, फिंगर से फाइंड करके बोलो, तो आप नहीं फाइंड आउट कर पाओगे, राइट। सो आपको यह पता चल गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन एंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब कितने तरह के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकते हैं, मैं उसका आपको एक छोटा सा हिंट या छोटा सा आइडिया दे देता हूं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की जब मैं बात करूं तो कभी ऐसा होता है कि मैं एक ही वेरिएबल ऐड करूं x, कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैं दोनों अननोन वेरिएबल एक ही नंबर को दे दूं, कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैं x और y दोनों को दे दूं, ऐसा भी हो सकता है कि मैं x को पावर देके आपको कोएफिशिएंट के साथ रखूं, या ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है। इन सब को बोला जाता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमको स्टडी क्या करना है, सबसे पहला टॉपिक क्या है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को स्टडी करने के लिए। आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब सेकंड पॉइंट है, सेकंड टॉपिक है अपना इसका, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। वेरी सिंपल टॉपिक। इस मेथड को ट्री मेथड बोला जाता है। वापस बोलता हूं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स को समझने के लिए जो मेथड यूज होती है उसको बोला जाता है ट्री मेथड। लाइक मैं आपको ऐसा बोलूं कि 3xy+4 एक्सप्रेशन को फैक्टर्स में लिखो, तो सबसे पहले ये ध्यान रखना हम फैक्टर्स उसी के निकाल सकेंगे जिन टर्म में एक्स या वाई या एक्स वाई दोनों प्रेजेंट हो। अब सिंपल एग्जांपल, मैं इसके फैक्टर निकालता हूं, तो इसका फैक्टर है 3xy।
मैं 4 के फैक्टर नहीं निकालूंगा क्योंकि 4 के साथ कोई अननोन वेरिएबल नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि 3x प्लस 4y के फैक्टर निकालो, तो हां ये पॉसिबल है। यहां पे मुझे इसके भी फैक्टर मिलेंगे, इसके भी फैक्टर मिलेंगे, इसके फैक्टर मिलेगा 3 एंड x, इसका फैक्टर मिलेगा 4 एंड y। अगर मैं आपको बोलूं कि 3x स्क्वायर y प्लस 4z के फैक्टर निकालो, तो आंसर होगा 3x x y and 4 and z। ये था हमारा नेक्स्ट टॉपिक कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टर्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स कैसे निकाला जाता है। आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एंड हाउ वी कैन फाइंड आउट फैक्टर्स विद द हेल्प ऑफ ट्री मेथड। ये था हमारा सेकेंड टॉपिक। थैंक यू।